दिल में गम, आंखों में आंसू और कंधे पर ढेर सारा बोझ। पिता मुलायम सिंह यादव के चले जाने के बाद अखिलेश यादव का कुछ यही हाल है। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े और कद्दावर नेता रहे मुलायम सिंह पिछले 6 दशक से यूपी की राजनीति की सबसे बड़ी जड़ रहे। उनकी उपस्थिति और मौजूदगी ही समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत रही। लेकिन अब मुलायम यादव नहीं रहे, जिसके बाद अखिलेश की तमाम मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। अखिलेश को अब आगे का सफर पिता की छत्र छाया के बिना तय करना है। इसीलिए उन्हें बहुत कुछ सोच समझकर फैसला करना होगा, क्योंकि उन्हें पार्टी परिवार को संभालने के साथ साथ सियासत भी करनी है, जो कि एक बड़ी चुनौती है। सबसे पहले तो परिवार को जोड़कर चलना होगा। ऐसे में क्या वो पिता मुलायम वाला कद अपना भी पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अभी तक नेताजी थे तो शिवपाल और अपर्णा उतना ही बोलते थे जितने में उनका और उनकी पार्टी का काम हो जाए। अब शिवपाल और अपर्णा के तेवर अलग देखने को मिलेंगे। बहुत लाजमी है कि परिवार में और भी फूट पड़े। ऐसे में अखिलेश अपने ही परिवार को कैसे एकजुट करेंगे, देखना दिलचस्प होगा। इसके बाद चुनौती होगी पार्टी को संभालने की। दरअसल अभी तक नेताजी की बात मानकर तमाम समर्थक अखिलेश की हाँ में हाँ मिला लेते थे, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं रहेगी। मैनपुरी उपचुनाव में ही पार्टी को संभालने का लिटमस टेस्ट अखिलेश का हो जाएगा। वहीं इससे आगे निकलेंगे तो विपक्ष सामने खड़ा मिलेगा। नेताजी के पास तो विपक्ष का हर एक काट हमेशा से था, लेकिन अखिलेश विपक्ष से कैसे निपटेंगे और आने वाले वक्त में अखिलेश को कई बड़े और कड़े इम्तिहान से इसी तरीके से गुजरना होगा। इसमें उन्हें बीजेपी से जूझना होगा और चाचा शिवपाल की पार्टी से भी टक्कर लेनी होगी, साथ ही अपर्णा का भी काट निकालना होगा। तो कुछ इस तरह की चुनौतियों से अखिलेश को गुजरना होगा, जिसके लिए उन्हें इस सदमे से निकलने के बाद तैयारी भी करनी होगी। बहरहाल इन सब चुनौतियों के बारे में अभी ही अखिलेश समझ चुके हैं और चाचा शिवपाल भी इशारों ही इशारों में बता चुके हैं कि इतना काम आसान होने वाला नहीं है जितना अखिलेश सोच रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश क्या रणनीति अपनाते हैं और किस तरीके से चुनौतियों से निपटते हैं। फिलहाल सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव। देखिए, हर मोर्चे पर, हर मौके पर मैंने नेताजी की जो भी डिसीजन लिया, जो भी लिया, नेताजी के पूछ करके ही, नेताजी के आदेश से ही मैंने अभी तक फैसले लिए। हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं सर, लोग चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए पहले जैसा, तो क्या एक कोशिश होगी फिर से? अभी ये वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है, ये जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। अभी में तो आप पढ़े हैं, एक संरक्षक की भूमिका आप निभाएंगे क्या? देखिए, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे, और वैसे तो अगर जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है तब भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी हमारे पास जुड़े हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सबको हम इकट्ठा करके और उनकी राय से पूरे उत्तर, हमारा दल भी है अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, हमारा दल भी है, तो सबके बातें सुनकर के, और अभी से क्या, अभी तो कुछ फैसले लेने का समय नहीं है,